देखिए सर, ऐसा एक मेरा गांव का एक लड़का था, भोलू नाम है, क्या नाम? भोलू है, भोलू नाम है। हाँ, ये गया था और इधर भी है एक, एक मेरे मेरे गांव का लड़का है दीपक, उसको भी गोली गोली लगा है। इतना सर, देखिए देखिए, छोटा बालक है, छोटा बालक है, भोसड़ी वाले पुलिस वाले मारे थे चौराहे चौराहे के, क्या गधा थाना के पुलिस वाले माधवचोर लोग है ऐसा। अरे सर, इतना इतना से कीजिएगा, इतना से कीजिएगा कि साला गधा थाना रहे मत, मज्जा में गधा थाने रहे मत। सर हम लोग से, आप लोग से इतना निवेदन है, आप लोग इतना प्रोत्साहित करेंगे। भेड़ बकरियों के तरह एक गाड़ी में छह भैया की एक गाड़ी में ठूस कराए 26 लोग। ये लोग दलित हैं, उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। कल इनमें से तीन, इन्हीं के तीन संबंधियों को पुलिस ने गोली मारी थी। और कारण क्या था? ये क्षत्रिय वर्ग के लोग, क्षत्रिय बिरादरी के लोग गांव सभा की, ग्राम सभा की जमीन कब्जा कर रहे थे, जो कि स्थौला बुजुर्ग नाम के गांव में पड़ता है और ये गांव गोरखपुर के गंगा थाना क्षेत्र में आता है। इनकी शिकायत पर पुलिस ने इनको थाने पर बुलाया और थाने पर बुला करके जो कब्जाधारी थे और पुलिस दोनों ने मिल करके इन लोगों की पिटाई की। पिटाई करने के बाद इनको गोली भी मारी गई, इसमें से तीन लोग घायल हुए, जिसमें एक 12 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है और एक 65 वर्षीय बुजुर्ग है। इन तीनों लोगों के घायल होने के बाद ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो पूरे गांव में पीएसी लगा करके पूरे गांव के महिलाओं बच्चों को बर्बरता से मारा गया और उसमें से इन 26-27 बुजुर्गों को गिरफ्तार करके पुलिस ले आई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से भेड़ बकरी की तरह लेकर के आई है। इसमें से कुछ लोगों को इतनी चोटें आई कि वो लोग चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार योगी राज में हो रहा है, क्योंकि ये दलित हैं और चमार बिरादरी के हैं। हम पूर्वांचल सेना के लोग इनसे मिलने आए थे, लेकिन हम लोगों को मिलने भी नहीं दिया गया। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में दलितों की। तो हमको इस वीडियो को आप देख करके आप समझ सकते हैं कि एक पिकअप में जो 6x8 का पिकअप होता है उसमें 27 लोगों को पुलिस भर के लाई है और सारे लोगों के हाथ पैर में बुरी तरह से चोट लगी हुई है। ये किस तरह का रामराज है, किस तरह का शासन है, आप समझ सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों को दबाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और जब से योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद, अपने गृह जनपद की अपना संसदीय सीट गोरखपुर लोकसभा हार चुके, हार गए हैं, प्रवीण निषाद जी जब से यहाँ सांसद हुए हैं तब से यहाँ के दलितों से ये और बदला ले रहे हैं। यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी पूरी तरह से त्रस्त है, योगी शासन का खौफ है उनके ऊपर। हम चाहेंगे कि मानवाधिकार आयोग ये वीडियो देखे, मानवाधिकार आयोग ये वीडियो देखे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग ये वीडियो देखे और समझे, कुछ आवाज उठाए। और मानवाधिकार आयोग अगर जिंदा है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अगर जिंदा है, तो अपने जिंदा होने का सबूत दे। इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी अभी भी बने हुए हैं और वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस यहाँ पर दलितों के दमन के लिए काम कर रही है। जय भीम, जय भारत।